दाल मखनी हम बहुत बार घर पे बनाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, बट हमें घर पे वो रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल टेस्ट नहीं आता है। तो फ्रेंड्स डोंट वरी, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए दाल मखनी की परफेक्ट रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल रेसिपी, वो भी विदाउट गार्लिक और विदाउट ऑनियन। जी हाँ फ्रेंड, बिना लहसुन प्याज के आज हम बनाने वाले हैं ये सुपर डिलीशियस दाल मखनी की रेसिपी। आप इसे किसी के साथ भी पराठा, नान, तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस यूनिक सी रेसिपी को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज किचन ऑलवेज ओपन। सो फ्रेंड्स, एकदम ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल जो दाल मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये साबुत उड़द ली थी। दाल मखनी हमेशा साबुत उड़द से ही बनता है, उसको भिगो दिया था मैंने ओवरनाइट करीब करीब 8 घंटे के लिए। इसको मिनिमम 8 आवर्स भिगोना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इसका जो है पूरा टेक्सचर आएगा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। और इसको मैंने ये देखिए 3 से 4 बार वॉश कर लिया है। हमें इसे 3 से 4 बार इस तरह से अच्छे से रगड़ के वॉश करना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ब्लैकनेस है वो निकल जाए। और ये आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ जो दाने हैं उस पे से छिलका भी हट गया है, इट मीन्स कि ये बहुत अच्छे से सोख हुई है। और अब हम इसको एक बार और वॉश कर देंगे। और ये लिया है मैंने राजमा, इसमें राजमा भी जाता है, तो ये 1/4 कप राजमा है, इतना ही राजमा इसमें काफ़ी है। इसे भी मैंने ओवरनाइट सोख करके रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे का इसका प्रोसेस। तो इसे एक बार और मैं ये वॉश कर दूंगी, इसका जितना भी ये एक्स्ट्रा वाटर है वो पूरा ड्रेन कर दूंगी। और इसे हम फिर डालेंगे कुकर में। ये देखिए, इसे भी मैंने एक बार धो दिया फिर से, अब इसे हम कुकर में डाल लेते हैं। और अब हम इसमें ये राजमा भी डाल देते हैं। अब इसमें ऐड करूंगी ये सॉल्ट, ये 1/4 स्पून सॉरी अराउंड 1/4 चम्मच सॉल्ट है ये, और इतना ही हमें अभी इसमें डालना है क्योंकि इसमें बहुत सारा बटर जाता है, बटर सॉल्टी होता है, इसलिए हमें सॉल्ट को देख के ही डालना है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं वाटर, सो अराउंड 3 कप पानी मैं इसमें डालूंगी। और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे अब हम कुक करेंगे कम से कम 6 से 7 विसल आने तक, बहुत अच्छे से ये कुक हो जाए, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका नेक्स्ट प्रोसेस। बहुत ही ज़रूरी है आपको वीडियो को पूरा देखें, एकदम कंप्लीट आपको दाल मखनी की रेसिपी अगर चाहिए तो। तो फ्रेंड्स देखिए, करीब करीब 7 विसल इसमें लग चुकी है, मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है, बहुत ही अच्छे से दाल और राजमा दोनों हमारा कुक हो गया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसे ऐसे ही बिना ढक्कन के हम इसे पकाएंगे, थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड करके। अभी इसमें कुछ और हमें ऐड नहीं करना है, करीब करीब हमें इसे स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे लगातार ऐसे चलाते हुए 10 मिनट के लिए पकाना है। थोड़ा सा पानी और इसमें मैं ऐड कर दूंगी, अराउंड 1 कप। और इसे एक चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना है आपको कि इसको लगातार हमें चलाते हुए, क्योंकि इसका जो स्टार्च होता है वो अदरवाइज नीचे लग जाएगा और दाल आपकी पूरी लग जाएगी नीचे से, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसे 10 से 12 मिनट हम ऐसे लगातार मिक्स करते हुए ही पकाएंगे। अब हम इसको रख देते हैं दूसरे चूल्हे पे और तैयार करते हैं इसके लिए तड़का। साथ साथ हमें इसको बीच में चलाते हुए भी रहना है। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, पैन को कर लेते पहले थोड़ा सा गरम। और इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल मैंने यूज़ किया है क्योंकि इसमें बहुत सारा बटर जाता है, इसलिए सिर्फ 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे। फ्रेंड्स, दाल मखनी की सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसे बिना प्याज और बिना गार्लिक के बनाने वाले हैं। रेस्टोरेंट में बिना प्याज और गार्लिक के ही दाल मखनी बनती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो जो लोग ऑनियन और गार्लिक नहीं खाते हरी मिर्च और अदरक, जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया है,
है ये हाफ स्पून देंगे मिर्च, बहुत अच्छा कलर आता है इससे, और इसको मिक्स कर देंगे। दाल मखनी को आपको लगातार चलाते रहना है, ये ध्यान रखिए। और इसमें ऐड करूंगी मैं ये टमाटो प्यूरी, ये मैंने 4 टमाटो की प्यूरी बना ली है, और इसे मिक्स करते हुए हमें पकाना है जब तक कि ये टमाटो जो है अच्छे से ऑयल रिलीज ना कर दे। ये देखिए अच्छे से हमारा जो ये टमाटर है पक चुका है, ऑयल रिलीज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये पैन बड़ा होता तो मैं सारी दाल इसमें डाल देती, बट पैन थोड़ा छोटा पड़ेगा इसलिए मैं कुकर को वापस इधर रखती हूँ गैस पे। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है, एकदम क्रीमी। अभी तो हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना तो बटर ना ही कोई क्रीम, और बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर इसमें आया है। अब हमने जो तड़का तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे पूरा, करेंगे तो यकीन मानिए आप रेस्टोरेंट से भी दाल मखनी डालना भूल जाएंगे। अब इस स्टेज पे आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगता है कि अगर ये थोड़ा ठीक है तो आपको थोड़ा पतला रखना है इसकी ग्रेवी, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे, ऐसे इसकी ग्रेवी थिक ही होती है। मैंने आधा कप के अराउंड पानी इसमें ऐड किया है और इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बस 1 से 2 बेसिक मसाले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं। इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला, अराउंड 1/2 स्पून, 1/2 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर, और इसको एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा इसमें मैं कसूरी मेथी लूँगी। ये कोई भी चीज़ इसमें ओवर पावर नहीं होनी चाहिए, में हमें मक्खन और दाल का टेस्ट पूरा आना चाहिए। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब आपकी मर्जी, आप इसे 10 मिनट पकाएं ऐसे लगातार चलाते हुए, 5 मिनट पकाएं, 15 मिनट, रेस्टोरेंट में ढाबों में ये घंटों तक पकती रहती है स्लो फ्लेम पे। मैं इसे यहाँ अराउंड 10 मिनट पकाऊंगी अभी स्लो फ्लेम पे, ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और ज़्यादा इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाए। 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे। अब इसमें ऐड करूँगी मैं बटर, तो ये ढेर सारा बटर मैंने इसमें डाल दिया है, और इसे मिक्स कर लेंगे। बिना बटर के तो दाल मखनी बन ही नहीं सकती है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार, और बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये दाल मखनी की बहुत ही इजी और एकदम स्टेप बाय स्टेप रेसिपी। इसे मिक्स करके हम 5 मिनट और लगातार इसको चलाते हुए पका लेंगे। लगातार चलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है तो वो नीचे लग जाएगा तो दाल का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मक्खन जो है, बटर इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम क्रीम, फ्रेश क्रीम है घर का एकदम, और इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी क्रीमी एकदम बहुत ही टेस्टी बिना प्याज और लहसुन की दाल मखनी, आ रहा है ना मुंह में पानी देख के इसको। तो फ्रेंड्स, ट्राई जरूर कीजिए एक बार और बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये बहुत ही इजी सी रेसिपी। अब इसे हम निकालते हैं अपने सर्विंग बर्तन में। आप इसमें एक चीज़ और करिएगा फ्रेंड, इसमें अभी सॉल्ट एक बार टेस्ट कर लीजिए इसमें, क्योंकि हमने बटर डाला है और बॉयल करते हुए नमक डाला था, तो अगर कम लगता है तो टेस्ट करके थोड़ा सा नमक आप और। तो फ्रेंड्स, लीजिए रेडी है हमारी ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी की रेसिपी, बहुत ही डिलीशियस, एक बार ट्राई करना तो बनता है। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।